Assalamualaikum students. Students, हम पढ़ रहे हैं history का chapter number 5 जिसका नाम है Print Culture and the Modern World. तो आज का हमारा topic है Print and Censorship. और ये topic जो है हमारे इस chapter का last topic है. तो students, जैसे कि प्रिंट का मतलब आप सबको पता है और सेंसरशिप मींस होता है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस पर रोक लगाना. ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो स्टूडेंट्स, 1857 से पहले कोई भी प्रेस पर सेंसरशिप नहीं लगी थी, लेकिन 1857 के रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिशर्स ने सेंसरशिप लागू किया था. और आप सबको पता है स्टूडेंट्स, 1857 के रिवॉल्ट के बारे में आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा होगा. तो स्टूडेंट्स, पहले हम बात करेंगे प्रिंट एंड सेंसरशिप बिफोर 1857. ठीक है, यानी कि 1857 के रिवॉल्ट से पहले का प्रिंट और सेंसरशिप. तो स्टूडेंट्स देखो, 1798 से पहले तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ज़्यादातर इंग्लिश प्रिंट मीडिया को कंट्रोल करने में लगे थे, जो कि कंपनी के मिसरूल को लेकर बहुत क्रिटिकल थी. फिर 1870 तक जो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट था उसने कुछ रेगुलेशंस पास किया और उसने प्रेस को कंट्रोल करने की बात थी. ठीक है, उस रेगुलेशन में क्या थी, प्रेस को कंट्रोल करने की बात थी. लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेजेस और जो वर्निक्यूलर लैंग्वेजेस थे, यानी कि जो वर्निक्यूलर मींस जो कि लोकल लैंग्वेजेस थे, उन्होंने इसका खिलाफ किया और गवर्नमेंट से कहा गया कि इसको ख़त्म किया जाए. और जो गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक, उसने कहा कि ठीक है, हम जो है इस प्रेस लॉज को जो है फिर से रिवाइज करेंगे. तो इसको फिर इसके बाद क्या हुआ, एक लिबरल कॉलोनियल ऑफिशियल्स था थॉमस मैकॉले. ठीक है स्टूडेंट्स, फिर क्या क्या, थॉमस मैकॉले जो है एक लिबरल कॉलोनियल ऑफिशियल्स था, उन्होंने इस न्यू प्रेस लॉस को फिर से बनाया और प्रेस फ्रीडम को फिर से रिस्टोर किया. तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे प्रेस सेंसरशिप आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857. अब 1857 के रिवॉल्ट के बाद क्या हुआ था. तो देखो स्टूडेंट्स, 1857 के रिवॉल्ट ने ब्रिटिशर्स को बहुत ही गुस्सा दिला दिया था कि वो हमारे, उन्होंने कहा कि इंडियन लोग हमारे खिलाफ कैसे रिवॉल्ट कर सकते हैं. और कंपनी वालों ने डिमांड किया कि इंडियन के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए. और उन्होंने कहा कि जो भी प्रेस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ क्रिटिसाइज़ करते हैं उन पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, और न्यूज़पेपर में जो भी नेशनलिज्म के आइडियाज़ देते हैं उनको कंट्रोल किया जाए. ये सारा कुछ हुआ 1857 के रिवॉल्ट के बाद. तो स्टूडेंट्स, इसके बाद 1878 में वर्निक्यूलर प्रेस एक्ट पास हुआ और इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा राइट्स मिला था कि वो हर एक रिपोर्ट या एडिटर पर कंट्रोल कर सके. और जो गवर्नमेंट थे वो हमेशा नज़र रख सकते थे कि कहाँ पर क्या छप रहा है. और न्यूज़पेपर पब्लिश करने वालों को वार्निंग दी गई थी कि कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं छपनी चाहिए जिससे लोगों को गवर्नमेंट के खिलाफ भड़के. ठीक है स्टूडेंट, जिस न्यूज़ से लोग गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाए, और अगर कोई भी उस वार्निंग को नहीं सुनते थे तो क्या करते थे स्टूडेंट्स, उस प्रेस को सीज किया जाता था, यानी कि उस प्रेस को बंद किया जाता था. लेकिन स्टूडेंट्स, जो नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर थे उन्होंने कहा कि हम जो है इस सेंसरशिप को नहीं मानेंगे, चाहे जो भी हो हम न्यूज़पेपर पब्लिश करते रहेंगे. इस तरह से नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर बढ़ती गई इंडिया के अलग अलग हिस्सों में,
और वो कॉलोनियल मिसरूल्स को पब्लिश करते रहे और नेशनलिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ावा देते थे। तो इसके बाद देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जो था उसका पेपर था केसरी। केसरी जो था वो बाल गंगाधर तिलक का पेपर था और उन्होंने इसमें जो पंजाब रिवोल्यूशनरीज थे उनके साथ ब्रिटिशर्स ने बहुत ही बुरा सलूक किया था। तो इनके बारे में जब बाल गंगाधर तिलक ने पेपर में छपा था या पब्लिश किया था तो ब्रिटिशर्स ने 1908 में बाल गंगाधर तिलक को अरेस्ट किया था। तो इससे पूरे इंडिया के लोग नाराज़ हो गए, गुस्से में आ गए और उन्होंने कॉलोनियल या ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 भी ख़त्म होता है। तो स्टूडेंट इंशाल्लाह कल से हम इस चैप्टर के सॉल्यूशंस करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।